हेलो दोस्तों, मैं सचिन कुमार स्वागत करता हूं आपका स्माइल मेकर पर। तो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग? और ये जो सीरीज हमारी चल रही है कॉन्सेप्ट की, ये आज नंबर फर्स्ट कॉन्सेप्ट है हमारा, और वो भी साधारण ब्याज से स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, और है हमारा यानी कि पहला कॉन्सेप्ट है जब मूलधन अपने का ए बटे बी गुना हो जाए। ठीक है, तो किस प्रकार से क्या सॉल्यूशन करेंगे वो देखते हैं। देखो, जब भी आपको सवाल में दिया जाए यानी कि जब मूलधन अपने का ए बटे बी गुना हो, देखो या तो जब मूलधन अपने का बोले या स्वयं का बोले तो बात एक ही है। ठीक है, यानी कि मूलधन है अपने का हो रहा है, अपने का मतलब यानी कि अगर ये ए है, ठीक है, तो कितना हो जाएगा अपने का ए बटे बी, यानी कि प्लस होगा कुछ भी, क्योंकि अपने का गुना हो रहा है ना, तो यानी कि बढ़ेगा। तो यानी कि जो चीज़ होगी किसके बराबर होगी, ये होगी मिश्र धन के। मिश्र धन बराबर होगी, मिश्र धन को ए बोलते हैं, और ये बराबर होगी मूलधन, मूलधन गुणा ए बटे बी। ठीक है, और मूलधन क्या होता है पी, तो हम इसको बटे में ले आएंगे, इनके ए बटे पी कर देंगे, ए बटे पी होगा स्मॉल ए अपॉन बी। तो ये जो ए की वैल्यू है, ये ए है यानी कि मिश्र धन है, और ये पी यानी कि ये बी क्या है, मूलधन। तो साधारण ब्याज यानी कि ऐसा ही किस प्रकार से निकालेंगे, यानी कि मिश्र धन माइनस मूलधन करेंगे तो ऐसा ही आएगा, तो यानी कि ए माइनस के बी, तो साधारण भी आ जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? अब हम इस पर क्वेश्चन करते हैं ताकि आपको हर चीज़ क्लियर हो सके। तो देखते हैं दोस्तों, इस क्वेश्चन को हम किस प्रकार से सॉल्व करते हैं, इसी कॉन्सेप्ट पे आधारित है। देखो, कोई राशि साधारण ब्याज द्वारा किसी दर से 3 वर्षों में स्वयं की 7/6 गुनी हो जाती है, ब्याज की प्रतिशत वार्षिक दर क्या होगी? ये SSC CGL में पूछा गया। देखो क्या कह रहा है सवाल में, स्वयं की 7/6 गुनी हो जाती है, तो आपको मालूम है यानी कि मिश्र धन होगा, मिश्र धन बराबर मूलधन गुना ए बटे बी यानी कि 7/6 होगा। ठीक है, इसको हम ए लिखेंगे और इसको पी, ये 7 और ये 6 हो चुका है, तो आपको मालूम है ब्याज निकालेंगे। ब्याज कितना है यहाँ से, एक एक ब्याज है, और किस पे मिला है, एक ब्याज 6 पे मिला क्योंकि मूलधन पे ही मिलता है, गुना 100। अब ये कितने की आई है, 3 साल की है, क्योंकि सवाल में 3 साल दिया गया है। अब निकालनी है हमें वार्षिक दर यानी कि 1 साल की, तो 3 से इसमें डिवाइड कर देंगे तो कितना जाएगा, इसको 2 3 6 और दो ये 50 यानी कि कितना, 50/9% इज राइट आंसर होगा। लेकिन आपको सवाल में किस प्रकार से करना है वो देखते हैं। देखो, आपको इतना तो पता ही लग चुका है कॉन्सेप्ट के द्वारा। ठीक है, तो अब आप कितनी है यानी कि 7/6 गुनी हो रही है, तो आपको मालूम है ऊपर क्या होगा, ए होगा और ये पी होगा, तो ब्याज कितना मिला होगा, एक मिला होगा, और किस पे मिलता है ब्याज हमेशा, मूलधन पे, गुना कितना करेंगे 6/6 और गुना फिर 100। अब ये कितने का है, 3 साल का, और निकालता कितने का है हमें, 1 साल का, तो यानी कि 3 से इसमें डिवाइड कर देंगे तो कितना, ये 50 और ये 3। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 50/9%। तो हमें यही अप्रोच लगानी थी इस क्वेश्चन को सोल्व करने में। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये कॉन्सेप्ट आपको समझ आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट में।